महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. उल्हासनगर महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 7 मधील रमाबाई आंबेडकर नगरमध्ये नगरसेविका शुभांगी राजेश निकम यांच्या अथक परिश्रमानंतर 15 लाखांचा निधी खर्च करून साईबाबा नगरमध्ये 10 सीटर पुरुष शौचालयाचा शुभारंभ करण्यात आलं. आज समाजसेवक कमलेश निकम यांच्या हस्ते या शौचालयाचं उद्घाटन करण्यात आलं. या ठिकाणी पूर्वी MMRDA अंतर्गत पे अँड यूजवर शौचालय सुरू होतं. या शौचालयाची दुरावस्था झाल्याने नगरसेविका शुभांगी निकम यांनी महापालिका आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधी यांच्याकडे पाठपुरावा करून 15 लाखांचा निधी उपलब्ध करून आणला. अखेर आज सार्वजनिक शौचालय पूर्णत्वास आल्याने त्याचं उद्घाटन विविध मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी समाजसेवक प्रभू लहाने, विशाल हजारे, वीरू यादव, रवी पाल, मनोज जगताप व मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. रमाबाई अंबेडकर नगर में एक 15 लाख रुपए के निधि से जो MMRDA के शौचालय थे पूरे प्रभाग क्रमांक 7 में बहुत दयनीय अवस्था में थे. जैसे ही मेरी भाभी शुभांगी निकम चुन कर आई, हमने चुनावी वादे किए थे लोगों से कि सभी नए शौचालय बनाए जाएंगे और लगभग रमाबाई अंबेडकर नगर के सभी नए शौचालय मैंने बनाए हैं, जहाँ पर महिलाओं का हो, पुरुषों का हो. और अब इसके बाद मैं संत ज्ञानेश्वर नगर का भी नया शौचालय जल्द 1-2 दिन में उद्घाटन करके वो बनाने जा रहा हूँ. उसके बाद हनुमान नगर का भी हम बनाएंगे. इस पूरे प्रभाग में उल्हासनगर का सबसे बड़ा प्रभाग होने के नाते जो बरसों से काम पेंडिंग थे वो अभी धीरे धीरे पूरे होते जा रहे हैं. लोगों को मैंने चुनाव में वादा किया था कि जो गरीब लोगों से MMRDA के माध्यम से लोगों की जो वसूली की जा रही है, जो 100-200 रुपए लेकर वसूली की जा रही है MMRDA के लेटरिंगों पर, और इस गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग जो हैं उनके माध्यम से लाखों रुपए कोई संस्था कमा रही है, उस संस्था का भ्रष्टाचार हटाने के लिए, ऐसे लुटेरों को हटाने के लिए मैंने एक अच्छी एक सोच रखी कि हमारे लोगों को, हम जो आम जनता टैक्स भरती है, उस टैक्स के माध्यम से किस तरीके से शहरवासियों को लूटा जा रहा है, और हमारे ही लोगों के यहाँ पर उन शौचालय को MMRDA के बनाकर एक संस्था चालक को देकर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार को रोकने की हमने प्रथा बंद की है, और आज लोगों को फ्री में शौचालय दिए हैं. हमारे लोग, हमारे देश के अंदर फ्री में शौचालय मिलने चाहिए, इसकी संकल्पना हमने ली है. उस संकल्पना के नाते प्रभाग क्रमांक 7 में अब तक जितने भी MMRDA के शौचालय थे जो टूटने आए थे, वो सब के सब तोड़ के मैंने अपने माध्यम से नए नए बनाते जा रहा हूँ. और जो भी MMRDA के शौचालय चालू है शहर के अंदर, मैं आयुक्त साहब से मांग करूंगा कि ऐसी स्थिति में वो भी फ्री किए जाए. उसकी जल्द से जल्द हम मांग करेंगे, और सभी रमाबाई अंबेडकर नगर के लोगों को, महिलाओं को और पुरुष को, ये नए शौचालय के निर्माण के कार्य आदरणीय नगर सेविका शुभांगी राजेश निकम के प्रयत्नों से हुआ है, और आज हम सभी लोगों ने वहाँ पर उद्घाटन किया है. रमाबाई अंबेडकर नगर मध्ये आदरणीय नगर सेविका शुभांगिनी जी निकम यांच्या सौजन्याने, त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ता आदरणीय कमलेशजी निकम यांच्या अथक प्रयत्नांनी एक पुरुष शौचालयाचं नूतनीकरण उद्घाटन सोहळा इथे पार पडलेला आहे, आणि एक नागरिकांना एक फ्रीमध्ये सेवा देण्याचा संकल्प इथे ठेवलेला आहे. MMRDA जे जुने शौचालय होते ते पे अँड यूज बांधा वापर आणि हस्तांतरित करत ह्या पद्धतीवर होते, परंतु हे इथे शौचालय जे झालेलं आहे ते पूर्णपणे निःशुल्क असेल. फक्त नागरिकांनी एक त्याचा चांगला वापर करायचा आहे, आणि आपल्या एका वस्तीसाठी एक चांगली ते सोय झालेली आहे. आकाश सहाणे, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.